नमस्ते, मैं हूँ करीना कपूर खान जी। हाँ, बहुत सारे लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं ये कहकर कि मैं डम हूँ, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मैं कोई डम वम नहीं हूँ। मैं कपूर खानदान में बॉर्न हुई हूँ और कपूर खानदान में एक लड़की को एक्टिंग करना, एक्टिंग के फील्ड में काम करना शादी के बाद कितना डिफिकल्ट है ये उनको पता नहीं। मेरे जो दादा थे ना राज कपूर, उनको पसंद नहीं था कि लड़कियाँ एक्टिंग करें। वो दूसरी बात है कि उनकी बहुत सारे थे लड़कियाँ फ्रेंड्स, मगर उनको नहीं पसंद था कि एक बार जो लड़की कपूर खानदान में शादी करके आए वो शादी के बाद एक्टिंग करे। बहुत सारे लेडी सुपरस्टार्स ने अपना करियर छोड़ा, चाहे वो नीतू सिंह हो, चाहे वो मेरी मदर बबीता हो, मगर मैंने नहीं सुनी मेरे दादा की। मैं तो बचपन से ही अभिनेत्री बनना चाहती थी। मैं और मेरी बहन ने मेरे दादा की बात नहीं सुनी। फिल्म इंडस्ट्री बुरी तब थी, फिल्म इंडस्ट्री बुरी अब है, उससे हमें क्या लेना देना। हम तो कपूर खानदान से है ना, हमारे साथ कोई थोड़ा जबरदस्ती करेगा। मेरी बहन तो बेवकूफ थी, उसे शादी के बाद एक्टिंग छोड़ दी, मगर मैं बेवकूफ नहीं हूं। जो बच्ची बचपन में ना स्कूल गई हो, कॉलेज गई हो, बचपन से ही सिर्फ नाच गाना सीखी हो, क्योंकि उसे सिर्फ एक्ट्रेस बनना है, वो एक्टिंग कैसे छोड़ सकती है। मैंने शादी के बाद भी एक्टिंग करी, बच्चे के पहले भी एक्टिंग करी, बच्चे के बाद भी एक्टिंग करी, अब मेरा दूसरा बच्चा हो रहा है, अभी भी मैं एक्टिंग करती रहूंगी। दूसरी बात है कि मेरे मुंह से फिर से कुछ स्टूपिड स्टेटमेंट निकल गया कि अगर आपको हमारी पिक्चर नहीं देखनी है तो मत देखो। प्लीज अंडरस्टैंड करो ना, मैं थोड़ी स्टूपिड हूँ, थोड़ी डम हूँ। जब मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं करी तो मेरी फिल्म की प्रमोशन में आप मुझे पूछोगे कि वीनस के ऊपर क्या हो रहा है, मार्स के ऊपर क्या हो रहा है, इसरो ने ये लॉन्च किया, अभी मुझे जब इसरो का फुल फॉर्म नहीं पता तो ऐसे थोड़ा मेरे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर धज्जियाँ उड़ाते हैं। देखो ना, समझा करो ना, अगर मुझे पता होता तो मैं क्यों पैम्फलेट लेके खड़ी होती ये बोलती रेपिन देवी स्थान आई एम हिंदुस्तान। मुझे कुछ पता ही नहीं है, मैं ऐसे ही सब कुछ कर लेती हूँ, मगर क्या करूँ, ऐसे बोलूंगी ना सबको तो मेरी और धज्जियाँ उड़ेगी, क्योंकि मैं तो फेमिनिस्ट हूँ। मैंने तो अपने बेटे का नाम तिमूर अली खान रख लिया, ये भी नहीं पता कि तिमूर का इतिहास क्या था। बस ये था कि तिमूर अली खान रखूंगी क्योंकि तिमूर ने हिंदुओं का जेनोसाइड किया, तो मुझे अपना बदला मिल गया। क्योंकि मुझे ना बहुत सारी हिंदुत्व ट्रोल्स ट्रोल करते हैं, तो मैंने सोचा मैं उनको उनकी भाषा में सबक सिखाऊंगी। अब पूरी जिंदगी मेरा बेटा तिमूर अली नाम से पुकारा जाएगा, एक खूनी के नाम से पुकारा जाएगा। अब इससे ज्यादा डम तो मैं नहीं हो सकती ना, इसके बावजूद तुम मेरा मजाक उड़ाते हो। अब मैं क्या करूं यार, अगर मुझे फिल्में मिली मैं क्या करूं, मैं कपूर खानदान के अंदर पैदा हुई। आपको समझना चाहिए ना कि कपूर खानदान के अंदर पैदा होने के बावजूद मैंने काम किया, शोविनिस्ट परिवार के अंदर पैदा होने के बावजूद मैंने काम किया। प्लीज गिव मी माय क्रेडिट, मेरी धज्जियां इतनी मत उड़ाओ ना। मैं इतनी इंटेलिजेंट होती तो ऐसे स्टूपिड स्टेटमेंट्स थोड़ा करती कि मेरी पिक्चरें मत देखो। प्लीज मेरी पिक्चरें देखो, मैं इतनी मुश्किल से 40 साल से 20 साल से काम कर रही हूं। क्या मैं सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर बोलूं, अभी बोलूं, फिर तुम मुझे ट्रोल नहीं करोगे, मेरी पिक्चर देखोगे, फिर बोलो ना, मैं बोलती हूँ फिर सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर, बताओ।